कौन है पंजुरली देव, आइए जानते हैं इस वीडियो में। आजकल कांतारा नामक एक फिल्म की बहुत चर्चा हो रही है और उससे भी अधिक उत्सुकता उस फिल्म में दिखाए गए पंजुरली देव के बारे में जानने की है। पंजुरली देव की उपासना दक्षिण भारत विशेषकर कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्सों में की जाती है। वहाँ इनकी दंत कथाएँ बड़ी प्रचलित है किंतु देश के अन्य हिस्सों में उसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस विषय के बारे में। पंजुरली शब्द जो है वास्तव में एक तुलु शब्द पंजीदा कुरले का अभ्रंश है। तुलु भाषा में इसका अर्थ होता है युवा वराह। ये कुछ कुछ भगवान विष्णु के वराह अवतार की ही तरह है। तुलु लोगों में जिन्हें तुलुनाडु भी कहा जाता है, पंजुरली देव सबसे प्राचीन देवताओं में से एक माने जाते हैं और ऐसी मान्यता है कि जब पहले बार पृथ्वी पर अन्न की उत्पत्ति हुई उसी समय पंजुरली देव पृथ्वी पर आए, अर्थात मानव सभ्यता के आरंभ में। कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि जब मनुष्यों ने खेती करना सीखा तो उस समय जंगली सुअर अर्थात वराह अपने पेट भरने के लिए उनकी फसल को खा जाते थे। उन्होंने इसे कोई देवीय शक्ति समझ लिया और वराह रूपी पंजुरली देव की उपासना करना आरंभ कर दिया ताकि वे उनकी फसलों की रक्षा कर सके। तब से ही पंजुरली देव की पूजा हो रही है। आज भी पंजुरली देव की पूजा करते समय लोग बरने कोरपुनी नामक एक प्रथा करते हैं जहां वे देवता को अन्न अर्पण करते हैं। इस प्रथा में बांस के एक पात्र में चावल रखते हैं और उस पर नारियल के दो टुकड़ों में दीपक को जलाकर पंजुरली देवता के सामने रखते हैं और इसके बाद में पंजुरली देव के समक्ष एक बेहद प्राचीन नृत्य किया जाता है जिसे भूता कोला कहा जाता है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ऑल वाला ऑप्शन दबाना ना भूलें ताकि हमारे द्वारा बनाई गई कोई भी वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे।